अभी हम आ गए हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट है। इंडियन रेस्टोरेंट अगर आप बैंकॉक में आते हो तो इंडियन डिश आपको कितने की मिलेगी? 500 बात। हाँ, अंकल से बात कर रहे हैं हम कि अगर हम 1 घंटे के लिए आपकी टुक टुक ले लेंगे और इसमें बियर पियेंगे पीछे बैठ के। लौंडा तुम्हारा रिक्शे में बियर पीता घूम रहा है, तेरी दोस्त पीछे। कभी कभी कुछ देखना हो ना तो नैनो को ऐसे दिखा दो, फिर खुद भी देख लो। तो गाइस मैंने अपना सौदा ले लिया है और अब मैं बैठूंगा अपने टुक टुक में, घूमूंगा बैंकॉक की गलियां, मिलूंगा आपको जब ये सौदा खत्म हो जाएगा। अभी हम आ गए हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट पर। जो मेन्यू है ना उसके प्राइसिंग में आपको दिखा देता हूँ क्या है। इंडियन रेस्टोरेंट अगर आप बैंकॉक में आते हो तो इंडियन डिश आपको कितने की मिलेगी। ज़्यादा इतना मार नहीं है पर किसी कुछ लोगों को लग सकता है। वही आपको समोसा पड़ेगा 150। ये 150 रुपये नहीं है, 150 बात है। 150 बात को आप लो 2.5 से 300, 300 और 75 के तरफ गए। 375 रुपये में पड़ेंगे आपको 3 समोसे, ठीक है। तो अगर आप 10 रुपये के समोसे खाने की आदत है तो थोड़ा सा झटका लग सकता है। 375 रुपये के 3 समोसे, एक नहीं, यहाँ 2-3 का कॉम्बो है। और ये देख लो चिली गार्लिक। अभी इनको जितने भी प्राइस है ना इनको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेना आप। ये देखो, ये देखो 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो आप जितने भी है। तंदूरी मशरूम ये वो, आप ये देख लो ब्रेड, चपाती, भाई रोटी पड़ेगी। जो आपने घर में फ्री की रोटी खाते रहते हो ना आप, उसकी रोटी की कीमत बैंकॉक में 35 × 2 70 और 15 कितने हुए 85-90 रुपये की एक रोटी है। जो अपने घर में फ्री की 10-10 रोटी खाते हो ना, देख लेना। सो अभी अपन ने मंगाया क्या, ये बटर चिकन मंगाया, एक मैं आलू पराठा और मंगाई ये चाय। वो खाते पीते भी देखते हैं कि टेस्ट भी इंडिया वाला है या सिर्फ प्राइस तो इंडिया से बाहर। हाँ बात ही है क्योंकि प्राइस तो इंडिया से बाहर के हैं। अब देखते हैं कि टेस्ट कहाँ का है। बट वेटर और यहाँ के सारा जो स्टाफ है वो इंडियन है तो इंडियन तो रखेंगे ही। गाइस अपना खाना आ चुका है बट यहाँ के जो वेटर हैं हमें बता रहे हैं कोई हमारे यहाँ का भूपेंद्र है। वो क्या बना बैठा है यहाँ पे, भूपेंद्र है, चैंग, मिस्टर चैंग उसको बोलते हैं, मिस्टर चैंग। भूपेंद्र चैंग नाम है उसका बट यहाँ पे वो चैंग बन के बैठा हुआ है। तो यहाँ वेटरी उसकी लेने के चक्कर में कह रहे भाई हमारे यहाँ भूपेंद्र है, वो देखिए मिस्टर चैंग बना बैठा है। उसके एक बार व्लॉग में लेना, आ नहीं रहा। क्या नाम है भाई इसका, क्या और क्या नाम है वैसे, अब क्या नाम है? मेरा नाम भूपेंद्र है, हाँ। इसका नाम गिल्ला है, हाँ। इसका नाम मुत्तू है, हाँ। अभी क्या नाम बना के बैठे हो ये तो बताओ, अभी क्या नाम है वैसे? ये क्यों बोल रहे हैं चैंग बोलते हैं तुम्हें लोग से? ये इसकी बीवी का नाम है ना जो, हाँ। उसका पहला जो पति था, हाँ। उसका नाम चैंग था, उसके वजह से इसका नाम। हाँ तो ये तुमसे किलस रहे हैं अभी, हाँ ये बात है। उसका बॉयफ्रेंड था, अभी इसके पास है। तो देख रहे हो भाई ये जो भाई गुस्से में आए हैं, ये बता रहे हैं कि मतलब इन्होंने बता दिया इनका नाम चैंग है। ये आया है अपना बटर चिकन, ये अपना नान और ये आया अपने पराठे। कैसे भाई पराठे तो सूखे सूखे से लग रहे हैं। आलू तो दिखे मेरा, प्याज ही प्याज दिख रहे हैं। वो वाला अच्छा था, उस लेन वाला है ना, हाँ। तो अभी खाते हैं और जैसा भी है बताएंगे आपको। सो गाइस अभी हम आ गए हैं चाइना टाउन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है बैंकॉक में। मैं बोला था ना अभी चाइना टाउन मार्केट जाने वाले हैं। यहाँ पर एक से एक चीज़ मिलती है आपको फूड में घूमने के लिए। और अलग जो वाइब है ना, पूरा जितनी भी मार्केट है ये डिज़ाइन है या वैसी है चाइना की, पर उस पर तो आपको यहाँ पे पूरी चाइना की फील आने वाली है। और मेरे पीछे देखो, आप देख ही पा रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ होना कोई बैंकॉक तो फ्रूट जरूर ट्राई करना। और मैं आप बोलो क्या भाई बहुत ही फ़र्क है। कल हम गुआवा खा रहे थे, मतलब अमरूद खा रहे थे, और इंडिया का अमरूद कितना टाइट होता है, इतने टेस्टी अमरूद भाई। और यहाँ ऑरेंज जूस इतना तगड़ा मिलता है। ओह फ्रूट्स का तो भाई अलग ही तोड़ है। इंडिया में क्या होगा, या तो बहुत हार्ड होगा, हाँ। या बिल्कुल गिलगिला सा होगा। ये अलग ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप क्या ही खा रहे हो। ये कितनी सही है भाई, इस तरह का रेस्टोरेंट मिल जाएगा। वो छोटी छोटी टेबल्स हैं, स्ट्रीट साइड फूड खाओ। गाइस इस तरह के रेस्टोरेंट्स मिलते हैं आपको कहाँ पे, चाइना टाउन मार्केट में। वाह, अगर आप मीट लवर हो ना, मतलब कुछ भी खा लेते हो, उस तरह के आदमी हो तो आपके लिए तो फिर जन्नत है ना। मेरे लिए नहीं है ये तो प्योर वेज है तो इसके लिए तो बहुत ही बेकार है। और मैं चिकन वाला हूँ भाई, मेरे को भी बोलना पड़ता है ओनली चिकन, मतलब चिकन के साथ पोर्क तो फ्री डाल रहे हैं, मतलब कुछ मान ही नहीं रहे। और बीफ अलग, फिश अलग, तो अपन तो भाई सिर्फ चिकन तक है। कल हम गए वहाँ पे क्रोकोडाइल, हाँ कितना बड़ा, हाँ क्रोकोडाइल ऐसे बिगड़ा खा रहे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे एक शॉप होगी जिस पर पूरा क्रोकोडाइल लटका रखा होगा फाड़ के। कल तो थी वहाँ पे कार्लसन रोड पे, यहाँ भी हो सकती है, दिखाता हूँ मैं आपको। उधर उधर है ना, उधर शायद स्वीट चीज़ें हैं, समझ रहे हो, जूसीज और मीठा उधर है और इधर है ये जितनी भी स्पाइसी फूड्स हैं। वाह भाई वाह, पूरा बस थाई में ही है, थाई के अलावा कोई लैंग्वेज है ही नहीं। थाई नहीं, चाइनीज़ है ये तो, ये चाइना मार्केट है, चाइनीज़ है, चाइनीज़ मार्केट होगी। तो गाइस कई बार ट्रैवल करते हो ना हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं और उसकी वजह से हमें कई बार लो फील होता है और हम उतनी एनर्जी से उस जगह का मज़ा नहीं ले पाते हैं, उस एडवेंचर का मज़ा नहीं ले पाते हैं जितना हमें लेना चाहिए। मैं कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ रियल वे प्रोटीन, ताकि मेरा जो प्रोटीन है डाइट में वो हमेशा पूरा रहे और मैं फील करूँ हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक अपने उस एडवेंचर के लिए। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं रियल वे प्रोटीन, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स हैं इनके, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहते हैं। मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और रेडी हो जाइए अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए विद फुल टू एनर्जी। और हमारा बाटा हमारा नाम रोशन करते हुए भाई साहब, चाइना टाउन बैंकॉक में बाटा का शोरूम देखते ही हमारी छाती ऐसी चौड़ी हो गई, रोड तक फैल चुकी है एकदम। अब हमें लग रहा है कि हाँ भाई ऐसी जगह एकदम, यहाँ हम भी हैं यहाँ पे। बाटा ने वैसे कर तो रखा कहीं भी जगह, मलेशिया वगैरह हर जगह ना, हर जगह है। 500 बात हाँ, अंकल से बात कर रहे हैं हम कि अगर हम 1 घंटे के लिए आपकी टुक टुक ले लेंगे और इसमें बियर पियेंगे पीछे बैठ के, आप हमें घुमाते रहो पूरे बैंकॉक। अंकल कह रहे जो 1 घंटा मैं तुम्हें पूरा बैंकॉक घुमाता रहूँगा और तुम बियर पीते रहो पीछे, तो 500 बात लगेंगे उसके। मुझे पता है अगर अंकल को हम शेड्यूल करेंगे ना कम करेंगे तो 250 बात में भी आराम से आ जाएंगे, 200 बात में बहुत आराम नहीं, 200 में तो नहाने के खैर 1 घंटा है। तो गाइस हम पूरा 1 राउंड मार के आ गए वहाँ पे, पर ताऊ तो बात नहीं माना था, वो कह रहा कि नहीं भाई 400 बात मिनिमम है, 400 बात लूँगा, 1 घंटा घुमाता रहूँगा, तुम बियर पीते रहना। मैंने कहा नहीं, हमारी बात अटकी हुई थी $200 200 बात में, तो देखते हैं। और अभी तो हम ढूंढ रहे हैं कि भाई यहाँ से हम जाएँगे वहाँ पर इंदिरा मार्केट में, वो देखते हैं कि इंदिरा मार्केट में एक से एक कपड़े मिलते हैं बहुत सही रेट्स पर ना। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ शर्ट्स ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ क्यों मैं बहुत कम कपड़े लाया था इस ट्रिप पर। सी फूड यहाँ पे कैसा बिल्कुल जिंदा ही है, तो अगर आप सी फूड के शौकीन हो ना, ये देखो क्रैब्स, कितने बड़े बड़े क्रैब्स हैं भाई, लगता है इन आंटी का रेस्टोरेंट है ये। आंटी जी हम तो अभी क्रैब खाते नहीं हैं, जब खाएंगे तब जरूर ट्राई करेंगे। तो भाई अभी ये भाई मिले हैं और ये हमें समझा रहे हैं कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ इनसाइड ओके ले yes, and swing Buddha, swing Buddha, yeah, yeah, yeah. 200 baht, 200 baht only, 1 hour, 200 baht, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 200 baht, 1 minute, yes, yeah. क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कर। ये बोल रहा है भाई कि 200 बाद में तो मैं 1 मिनट लेके जाऊंगा और 600 बाद में 1 घंटा लेके जाऊंगा। अभी का सीन क्या है, हमें टुक टुक तो मिलानी है, भाई पीछे बैठा है टुक टुक वाला, इसने लास्ट 400 बोले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर बाद ना यहाँ बैठ के बियर वियर पी के फिर जाएंगे। तो हम बैठे हैं अभी कहाँ पे, ये है एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, टेस्ट ऑफ चाइना करके, यहाँ पे बैठे हैं, लाइव म्यूज़िक का मज़ा ले रहे हैं और एक 2-2 पॉइंट पीऊँगा और फिर चलेंगे बाहर घूमने इंदिरा मार्केट की तरफ। वो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो हमारी भी हार नहीं होती है। वहाँ बैठे हम बियर पी रहे थे अभी, और अब भाई से हमारी बात हो गई है, हाँ मतलब मैं पी रहा था, मेरे साथ बैठी थी, भाई से बात हो गई, भाई घुमाएगा हमें 1 घंटा, है ब्रदर। यही काम दिल्ली में क्या होता, डंडे बढ़ रहे होते। अभी तक मम्मी पापा को फोन जाया होता ना, लौंडा तुम्हारा रिक्शे में बियर पीता घूम रहा है, ये कैसी परवरिश करी आपने। बट खैर फिलहाल अभी हम बैंकॉक में, तो ये लाइबिलिटी हमारा हक है। तो भाई यहाँ बैठे थे अंग्रेजों ने, सालों ने 250 बात ले लिया भाई एक मग बियर पीने के। नैना तेरी दोस्त पीछे कभी कभी कुछ देखना हो ना तो नैना को ऐसे दिखा दो, फिर खुद भी देख लो तब फ़ायदा हो जाता। तो अभी भाई से मैंने बोला भाई तू बियर शॉप पे ले चल और अब घुमा तू पूरा राइड। 157 157 की बढ़िया में, और ये मान लो 157 जो है ना भाई, अभी मैंने कितने दिए हैं, 2.5 कितने बात दिए थे एक बियर के, 250 250 बात दिए थे मैंने अभी एक मग के जो मैं पी रहा था वहाँ पे, और ये आई है 350 में। भाई ये सारा सामान जो है ना हमें 200 कितने पात में पड़ा, 250 245 बात में पड़ा, 250 रुपये में। ये मान लो 250 बात में सारा मिल गया, समझो 250 बात में लो 700 रुपये में 3 बियर भी मिल गई, चखना भी मिल गया। तो गाइस मैंने अपना सौदा ले लिया है और अब मैं बैठूंगा अपने टुक टुक में, घूमूंगा बैंकॉक की गलियाँ, मिलूंगा आपको जब ये सौदा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आई डोंट प्रमोट एल्कोहल गाइज, बट आई प्रोमोट मज़े। अपना चखना वकना हमने कर लिया है सब सेट, अब हम थोड़ा भाई बियर पियेंगे, टाइम वैसे ही बहुत खोटी हो गया भाई के पास, 40 मिनट रहे। अब ये ख़त्म करके मिलूंगा मैं आपको कहाँ पे, इंदिरा मार्केट ड्रॉप करेंगे हम पे, वहाँ पे लेंगे हम टी शर्ट। तो गाइज मिलते हैं हम थोड़ी देर में आपको, चलो। A few moments later. So guys फाइनली देखो हम आ चुके हैं मार्केट में, टुक टुक वाले भाई को हमने छोड़ दिया, 300 बात दिए, फुल मज़ा किया, 1 घंटा पूरा मज़ा भाई। और अब नैना चुन रही है मेरे लिए टी शर्ट, देखो ये जो टी शर्ट तुम्हें दिख रहा होगा कपड़े बदल लिए यार भाई ने, दूसरे कपड़े थे। तो हम आ चुके हैं मार्केट में टी शर्ट की शर्ट की शॉपिंग करना है, क्योंकि देखो अगर बैंकॉक में तो बैंकॉक जैसा फन होना चाहिए, तो ये वाली टी शर्ट मैं पहनने वाला हूँ। एक मैंने ये चूज़ कर ली है ना, ये ना ऐसी यार चॉइस बेकार है, दो मैंने मेरे अलावा ये दोनों मैंने ही चूज, तो ये मुझे अच्छी लगी और ये मुझे अच्छी लगी, एक और लूँगा मैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और दिखाऊंगा जो भी शॉपिंग करूँगा। बहुत बढ़िया बढ़िया, पता है ये कितने की पड़ रही है, मैं 150 बात 4 1 400 450 फिर 350 4 1 नहीं 350 4 1 150 की 1 है ना, हाँ तो 350 की 1 हुई ना वुमेन क्या बोला ये 150 की 1 हुई और तो 350 की 1 हुई, हाँ 150 की एक है ना, तो डबल उसका कर लो 300 इंडियन रुपीस में बोल रही है, मुझे लगा 150 की 1 हुई तो 350 की 1 हुई, ये कौन सा इंडियन रुपीस 350। और जो 350 रुपए में एक शर्ट है ये वाली, 350 रुपए में भाई, और कपड़ा इतना मस्त है ना, मैं दिखाऊँ ये देखो बिल्कुल हल्का है, 350 रुपये में एक शर्ट, इसलिए हम बहुत कम कपड़े लेके आए थे, जल्दी जल्दी शॉपिंग करते, ये पसंद कर ली, एक वो कर ली, एक और लेते हैं। कल जब हम यहाँ आए थे तो बंद हो गई थी, बट आज जब हम आए बंद हो रही है। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। मतलब दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, पर टी शर्ट्स बढ़िया हैं। अब ये टी शर्ट देखो आप, ये आपको मिल जाती है 150 बात के अंदर, 150 बात हो गई 350 400 रुपये में भाई टी शर्ट, देखो मेरे को सही लगी, अब पता नहीं वीडियो में कैसी आ रही, क्वालिटी भी ना कपड़े की सही है, और 350 400 रुपये में ना मेरे को लगता बुरी है। और आप ये टी शर्ट्स देख लो, ये ऐसी हैं 100 बात की, मतलब 250 रुपये की टी शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स बहुत अच्छी, कपड़े बढ़िया हैं वाकई में, बट थोड़ा दिक्कत क्या हो गया, अब ये बंद पैकअप हो रहा है, तब आए पैकअप में ना मसला गड़बड़ा जाता है, तो फिर आपको ना सही रेट नहीं मिलते। आप कभी भी इंडिया से बाहर हो और अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ जाए तो सबसे बढ़िया है, पता है क्या, इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लो, वहाँ पे कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट हो, कोई इंडियन शॉप हो, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। मैं बताता हूँ आज क्या हुआ, आज हम इस पे बैठे थे खुराना वाले इस पर, तो अब हम क्या लेके आए थे, हम 70-80 हज़ार रुपये वो करके लेके आए थे चेंज बात पे, और अब हमें पता है कि ये बहुत कम पड़ने वाले हैं, क्योंकि हमने 2 दिन के अंदर ही कम से कम 20-30 हज़ार रुपये खर्च कर दिए इंडियन करेंसी, मतलब हमारे मोस्ट ऑफ द 30% पैसे ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें पता है हमें 15-20 दिन रहना है, तो भाई पैसे तो ज़्यादा लगने ही वाले हैं। तो अभी क्या हुआ कि हमने इससे बात की, मैंने कहा इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। यहाँ वेटर था, मैंने कहा भाई तू कहाँ से, क्या भाई मैं हरियाणा से, तो मैंने कहा ये बता भाई कितने क्या नाम है घर तो सब पैसे भेजता ही होगा, कह रहा हाँ, मैंने कहा तो भाई पैसे चेंज कराने, करो भैया कर दूँगा जी 1000 रुपये के 950 रुपये दूंगा, वो भी बोल रहा है, मतलब मैं अगर उसको बोलूँगा ना 980 दे देगा 20 रुपये की कमीशन में बहुत आराम से करेगा वो, तो ये मेन बात है और सोल्यूशन मिल गया। दूसरा बात मैं वीज़ा का सोच रहा था गाइस, पता है क्या चोद हुआ कल मेरे दिमाग में, क्या बात आई, मेरे वाले उस पर वीज़ा पे लिखा TR-15 मतलब 15 दिन का वीज़ा, और अपने जो टिकट है ना भाई, वो टिकट पता है कितने दिन के हैं, टिकट है 5 मार्च को हम वापस जाने वाले हैं यहाँ से, तो 5 मार्च हो गई कितने 17-18 दिन हो गए, मेरे को लगा ये तो बड़ा केस हो गया। 2200 बात दिए हमने पर पर्सन, किसके वीज़ा के, तो मुझे ऐसा लगा 2200 बात पर पर्सन दिए तो अब दोबारा 2200 देने पड़ेंगे, या तो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। तो अभी उन्होंने बोला कि भाई जो वीज़ा पे लिखा है ना 15 दिन, उस पर मत देखो, पासपोर्ट पर देखो कब तक का लिखा है। पासपोर्ट पर देखा तो 18 मार्च है, मतलब अब हम चाहें तो 18 मार्च तक रुक सकते हैं यहाँ पर। और ये भाई अपने जहाँ से हमने खाना वाना खाया है, सारे हरियाणा के हैं, सारे हरियाणा के ही हो, क्या क्या नाम है भाई बताओ, मोहित है भाई, मोहित ये है, मोहित अनुराग और ये पारस पंजाब, भाई हरियाणा पंजाब ना पूरा मलेशिया बैंकॉक घेरे बैठे हैं ठीक है बाय बाय। हैं कल आऊँगा तब बताऊँगा ठीक है। अगर इंडियन एम्बेसी पे जाने लायक बात ना हो तो इंडियन रेस्टोरेंट पे चले जाओ, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल यहाँ से। कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कल होने वाला है, कल से होने वाली है एक्टिविटी शुरू। कल जाएंगे हम स्काई वॉक पे, फिर जाएंगे हम क्रूज़ पे। और भाई शॉपिंग बहुत अच्छी खासी कर ली है, छोटी पन्नी लग रही होगी। 4-5 शर्ट ले ली यहाँ से, क्योंकि मुझे ना ये टी शर्ट में समझ नहीं आ रहा यार, मैं अकेला लग रहा हूँ ऐसा। ये कौन घूम रहा है यहाँ पे इतना सिंपल सा आदमी ऐसा लग रहा है। वो नहीं होते जो बेचारे पड़ाकू से आ जाते हैं गलत जगह पे, मैं वहाँ लग रहा हूँ। अब मिलेंगे अपने आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय फ्रॉम बैंकॉक।